सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 205 केंद्रों पर 14,766 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 3,915 लोग और सेकेंड डोज लेने वालों में 10,851 लोग शामिल रहे, जिसके संबंध में एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने बताया कि जनपद में अब तक कुल 32,70,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 23,60,000 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 9,15,000 लोग शामिल हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराते समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अपने नजदीकी सेंटरों या जिला अस्पताल जाकर कोविड का टीकाकरण करा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने कहा, आज कुल 205 बूथों पर कोविड टीकाकरण का काम किया जा रहा है। अभी तक जनपद में हम लोगों ने 32,70,000 के लगभग टोटल डोज लगा दिए हैं। इसमें से फर्स्ट डोज हमारा 23,60,000 के करीब है और सेकेंड डोज 9,15,000 के करीब है। सर, जनता से क्या अपील? जनता से अपील करेंगे कि यदि आपने पहला डोज लगवा लिया है तो दूसरा डोज अवश्य लगवाएं, क्योंकि दोनों ही डोज जरूरी है पूर्ण प्रतिरक्षण के लिए और पूर्ण सुरक्षा के लिए। और यदि किसी कारणवश आपने अब तक कोई भी डोज नहीं लिया है तो अपने नज़दीकी बूथ में जरूर से जरूर जाकर पहला डोज लगवाएं। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि वैक्सीनेशन जो सुरक्षा देती है वो अपनी जगह है, और जो हम पर्सनल प्रोटेक्शन करते हैं, मास्क लगाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, वो अपनी जगह है। दोनों की अपनी भूमिका है कोविड से बचाव के करना।